Hello everyone, Eduadept by Nehra sir welcomes you all. I would like to welcome you in class 3rd. So far we have done 2 classes on the topic of one word substitution. This is our 3rd class. In each class we are learning 25 words, new words. So far we have done 50 words. In this class we will start from 51st word. Okay, so if you have not watched these 2 classes which we have done already, it's my humble request to you all. The link is given in the description below. Please watch those classes, 2 classes first. So let's start our class. In fact, this is going to be a class series which is extremely useful and indispensable for any of these examinations, as well as if you want to improve your spoken English skills. These classes are going to be highly useful. It will increase your vocabulary also. So let's start our class. As I told you, the 51 word is one who is well versed in any subject, a critical judge of any art, particularly fine arts. So I have given the explanation of this sentence in Hindi also. जो किसी भी विषय में पारंगत हो, वह किसी भी कला, विशेषकर ललित कला का आलोचनात्मक निर्णायक होता है, उसको एक वर्ड में क्या बोला जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वेटरन, फिलिस्टाइन, डिलिटेंटी और कॉनोसर. देखिए, हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को रूल आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम करते हैं. डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे अपने आंसर पर. तो आप अपना आंसर ज़रूर सोच करके रखें. तब तक मैं आपके सामने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ. वेटरन का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन. ये रहेगा अनुभवी व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी फील्ड में बहुत अच्छा खासा अनुभव हो, उसको वेटरन इंडिविजुअल बोलते हैं. फिलिस्टाइन का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक या कह सकते हो इंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. तो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा. डिलिटेंटी का मीनिंग होता है केयरलेस, जो होता है एक्शन या फिर स्टडी. ध्यान रखिएगा, लापरवाही से किया गया अध्ययन या कोई भी कार्य क्या होता है? डिलिटेंटी होता है. तो अगर लापरवाही से किया गया अध्ययन है तो ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज है वो भी कम मिलेगी. तो डिलिटेंटी वो व्यक्ति होता है जिसकी नॉलेज कम होती है, क्योंकि वो लापरवाही ज़्यादातर अपना सामने रखता है, प्रदर्शन करता है. तो वेटरन अपना इसका नहीं हो सकता है. इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. तो अपना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा. कॉनोसर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पारंगत हो किसी भी कला में, और विशेष तौर पर जो क्रिटिकल जजमेंट लेने में काफ़ी ज़्यादा माहिर व्यक्ति होता है, उसको कॉनोसर बोलते हैं. तो याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. 52nd वर्ड है अपना A person who is indifferent to both. In fact, indifferent एक वर्ड है ये, याद रखिएगा. indifferent जो है वो एक वर्ड है, और indifferent का मीनिंग होगा उदासीन होना. ठीक है ना, उदासीन होना. तो याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर. indifferent का मीनिंग होगा उदासीन व्यक्ति होना, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख या कह सकते हो जो खुशी होती है और जो पीड़ा होती है उसके प्रति उदासीन होता है. तो यहाँ पर भिन्न नहीं होगा, यहाँ पर होगा उदासीन. उदासीन से आप समझ गए, ऐसा व्यक्ति जो ना दुख को महसूस करे और ना पीड़ा को महसूस करे, उसको उदासीन बोलते हैं. तो उदासीन व्यक्ति के तौर पर अपना आंसर क्या रहेगा? चलिए एक एक करके अपने ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला वर्ड दिया हुआ अपने सामने सेंट. सेंट आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा. इसका मीनिंग होता है साधु. ऐसा व्यक्ति सन्यासी जो सन्यास ले चुका है उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपने अपने सामने आता है एसेटिक। एसेटिक का मीनिंग होता है तपस्वी। एक एक करके मैं आपके सामने इन वर्ड्स को डिस्कस करता हूँ, मीनिंग क्लियर करता हूँ। एंड स्टोइक का मीनिंग होता है वैरागी। वैरागी रहेगा इसका मीनिंग, एक वर्ड में हम वैरागी लेंगे। और हर्मिट का मीनिंग भी साधु, यानी सेंट और हर्मिट एक दूसरे के सिनोनिम कहे जा सकते हैं। तो इसका मीनिंग भी साधु रहेगा। तो साधु अपना नहीं हो सकता है। आप सोचोगे कि साधु जो व्यक्ति होता है वो पीड़ा और जो भी खुशी रहती है उसके प्रति उदासीन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तपस्वी ये भी नहीं रहेगा। अपना जो आंसर है स्टोइक रहेगा। स्टोइक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको संसारिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसके लिए खुशी और जो दुख है वो एक समान होते हैं, उसके लिए कोई डिफरेंस डालने वाली बात नहीं रहती है। तो स्टोइक अपना आंसर इसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो सामान्य समाज के मानकों विशेषकर पहनावे के विरुद्ध हो, यानी जो सामान्य समाज में पहनावा होता है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के व्यक्ति हमें समाज में देखने को मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जोकर आपको पता है, जो दूसरों को हंसाता है वो जोकर कहलाता है। और हिप्पी मैं छोड़ रहा हूँ। स्केप गोट, इनफैक्ट स्केप गोट का मीनिंग होगा यहाँ पर फोल गाय, ठीक है ना? ये होगा फोल गाय। फोल गाय से क्या मीनिंग हुआ? देखिए, स्केप गोट का मीनिंग हुआ ऐसा व्यक्ति जिसको बलि का बकरा बनाया गया है, ठीक है ना? बलि का बकरा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कसूर नहीं है, जो बिल्कुल निर्दोष है, फिर भी उसको जानबूझ करके किसी मुसीबत में डाला जा रहा है, सज़ा दिलवाई जा रही है, उसको स्कैपगोट बोलते हैं। बट का मीनिंग रहेगा हत्या। हत्या से आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई भी वेपन है, हथियार है, और उसका जो हाथ में पकड़ने का जो हिस्सा होता है उसको बट बोलते हैं, उसको हत्ता बोलते हैं। तो अपना आंसर रहेगा हिप्पी। ऐसा व्यक्ति जो विशेष तौर पर पहनावे के विरुद्ध हो, कि लोगों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे घर में भी देखने को मिल जाते हैं, आस पड़ोस में समाज में देखने को मिलते हैं, तो उनको हिप्पी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी एक ब्रदर की अगर हत्या कोई कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है? इम्पोर्टेंट है, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मीनिंग होगा माता पिता की हत्या। पैट्री आप पेरेंट्स से ले सकते हो, अपना ये नहीं रहेगा। और रिजिसाइड का मीनिंग हो गया राज हत्या। इसका मीनिंग हो गया राज हत्या। राज हत्या या किसी राजा की हत्या कर देना रिजिसाइड में आता है। तो रिजिसाइड अपना नहीं हो सकता। उसके बाद में होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग हो गया मानव हत्या। होमिसाइड का मीनिंग हो गया मानव हत्या। देखिए एक एक वर्ड को आप सीखते रहिए, आपकी वोकैब में इतना ज़्यादा इन्हांसमेंट हो जाएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप जो वर्ड देख रहे हो वो भी आपको पता है। फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड अपना जो राइट आंसर है वो रहेगा। अगर ब्रदर की जो हत्या है उसको, या सिबलिंग की हत्या को भी फ्रैट्रिसाइड में हम काउंट करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स यानी वस्तुएं चुराने या सामान चुराने का उन्माद हो, उन्माद का मीनिंग पागलपन हो, उसको क्या बोला जाता है? लोगोमैनिया का मीनिंग हो गया यानी एक ही ब्रांड के पीछे भागना। एक ही ब्रांड या लोगों के पीछे कोई पागल रहना। मान लो कोई जैसे एडिडास का शूज पहन रहा है तो वो हमेशा पूरे लाइफ टाइम में एडिडास का ही शूज पहने, उसको लोगोमैनिया हम बोलते हैं, ब्रांड के पीछे भागना। आगे है अपना निम्फोमैनिया। निम्फोमैनिया का मीनिंग हुआ कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, है ना? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, अत्यधिक अगर सेक्सुअल इच्छा या डिजायर पाई जाती है उसको निम्फोमैनिया बोला जाता है। क्लेप्टोमेनिया का मीनिंग हुआ वस्तुएं चुराने की आदत, वस्तुएं चुराने का पागलपन, उन्माद, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते। तो अपना आंसर तो रहेगा सी, लेकिन मैं ये ऑप्शन भी आपके सामने क्लियर करूंगा। इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा, यानी बात बात पर अगर कोई हंसने की बात हो, ना हंसने की बात हो, उस पर भी कोई व्यक्ति हंसता रहे तो उसको हिपोमेनिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के व्यक्ति को हिपोमेनिया बोलते हैं। तो अपना आंसर रहेगा इसका सी, क्लेप्टोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मेंटल वेरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको व्यवसाय नहीं मिला, काम नहीं मिला कोई भी, तो उसके दिमाग पर एक बर्डन रहता है, थकावट सी रहती है कि मुझे काम नहीं मिला, उसको क्या बोला जाता है? तो चलिए फटीग, फटीग याद रखिएगा, फटीग का मीनिंग रहेगा थकावट, ठीक है ना। फटीग का मीनिंग रहेगा थकावट। इसमें ये नहीं है, इसमें एक शारीरिक थकावट की बात की गई है। फटीग के अंदर फिजिकल वेरीनेस की, टायर्डनेस की बात की गई है। अनवी, अपना जो आंसर है इसका अनवी रहेगा, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। लेकिन हम जो बचे हुए दोनों ऑप्शन हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो वर्ड है इसको बोला जाएगा लैंगर, ये फटीग है, आनवी है, लैंगर है। लैंगर का मीनिंग होगा स्थिरता, या फिर एक तरह से कह सकते हो लेजीनेस। लैंगर का मीनिंग क्या रहेगा? लेजीनेस, शिथिलता, यानी काम करने के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा स्लो हो तो उसको स्थिल बोलते हैं, स्थिरता रहेगा। डिएबिलिटी का मीनिंग रहेगा कमजोरी या फिर वीकनेस, कमजोरी। तो अपना लैंगर ऑप्शन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपकी वोकैब इन्हांस हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। 57 अपना रहेगा वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग हो गया जो अलग अलग हो, चाहे कैसे भी हो, सब एक, जो सभी, वह जो सभी से और विविध से प्रेम करे, मतलब हर एक से जो प्रेम करे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी से प्रेम करे, उसको क्या बोला जाता है? देखिए ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग हो गया जो पॉजिटिव सोच रखता है, यानी आशावादी, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। ह्यूमैनिस्टिक का मीनिंग हो गया मानवतावादी, ह्यूमैनिस्ट का मीनिंग हो गया मानवतावादी, जिसकी सोच इंसानों के भले की हो, उसको बोला जाता है। और ऑल्ट्रोइस्ट, अपना जो आंसर है वो रहेगा ऑल्ट्रोइस्ट, याद रखिएगा, ऑल्ट्रोइस्ट अपना आंसर इसके अंदर रहेगा, जो सभी से प्रेम करता है। और अपना एक ऑप्शन रहता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग हो गया जो इंसानियत या मानवता से जो प्रेम करता है, या इंसानियत का भला चाहने वाला जो परोपकारी व्यक्ति होता है, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। तो इसको आप परोपकारी लेकर के चलोगे। चलिए नेक्स्ट, मैनिया फॉर ट्रैवल। देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसको बार बार भाई ट्रैवलिंग करता रहूं, कभी इधर घूमने के लिए चला गया, कभी उधर घूमने के लिए चला गया, और 24 घंटे में से वो दिन का ज़्यादातर समय घूमने में ही बिता देता है, उसको क्या बोला जाता है इस इंसान को? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोगोमैनिया हमने पहले डिस्कस कर लिया, और बिब्लियोमैनिया हमने डिस्कस कर लिया, जिसको जो पुस्तक प्रेमी हो, और पायरोमैनिया का मीनिंग हो गया जो मतलब आग लगाने की प्रवृत्ति हो, कोई भी चीज़ देखे और उस पर आग लगा दे, आग लगाने का पागलपन, ठीक है ना। मैनिया फॉर सेटिंग फायर, ठीक है ना, आग लगाने का पागलपन को हम क्या बोलते हैं? पायरोमैनिया बोलते हैं। तो पायरो जो होता है वो आग से संबंधित होता है अपना, तो अपना पायरोमैनिया नहीं हो सकता, अपना रहेगा ड्रोमोमैनिया। तो याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो बार बार ट्रैवलिंग और सिर्फ ट्रैवलिंग की ही बात करे, उसको ड्रोमोमैनिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थायी तौर पर एक निश्चित जगह पर रह रहा है। नेटिव जो अपने एक ही जगह पर रहने वाले जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको नेटिव सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो नेटिव अपना नहीं रहेगा क्योंकि जन्म रहने वाली इसमें कोई भी बात नहीं आई है। रेजिडेंट, ये तो रेजिडेंट का मीनिंग हो गया, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट रह रहा है। रेजिडेंट का मीनिंग हो गया जिसके अंदर परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये वर्ड आपने सुना भी होगा। और डोमिसाइल तो अपना रहेगा डोमिसाइल। डोमिसाइल से प्रूव होता है कि एक व्यक्ति परमानेंटली उसी जगह पर रह रहा है। सब्जेक्ट का मीनिंग विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मीनिंग प्रजा भी होता है, याद रखिएगा। प्रजा भी होता है यानी जो लोग हैं, प्रजा या कह लो लोग, नागरिक, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये एक विषय भी होता है जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी। तो ये अपना आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा सी। चलिए 60th वर्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। पेइंग बैक इंजरी विद इंजरी। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई और उसको हम चोट पहुंचाएं, इस तरह का विश्वास रखना क्या कहलाता है? तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वेंडेटा। वेंडेटा का मीनिंग मैं आपको इसके सिनोनिम भी बता देता हूँ। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से देखिए, वेंडेटा है। वेंडेटा का मीनिंग रहेगा फ्यूड। फ्यूड का मीनिंग जब दो पक्षों में निरंतर झगड़ा चल रहा है उसको वेंडेटा बोलते हैं। रिप्रेशन का मीनिंग रहेगा दमन। जब हम किसी को दबा देते हैं, किसी को क्रश कर देते हैं तो उसको रिप्रेशन बोलते हैं। तो अपना ये वेंडेटा नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। और सब्जुकेशन का मीनिंग भी रहेगा अधीनता, या फिर किसी पर हम जब जीत लेते हैं, किसी को विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको सब्जुकेशन हम बोलते हैं। तो अपना सब्जुकेशन भी नहीं रहेगा, रिप्रेशन भी नहीं रहेगा, वेंडेटा भी नहीं रहेगा, अपना रहेगा रिप्राइजल। ठीक है ना, जब हम चोट के बदले चोट में, टिट फॉर टैट में विश्वास रखें तो उसको रिप्राइजल बोलते हैं, यानी जैसे को तैसा में विश्वास रखें तो उसको रिप्राइजल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और 61st वर्ड को डिस्कस करते हैं। अक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। बाहरी प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित अगर बाहरी प्रभावों से कोई इम्प्रेशन से कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपना इनजीनियस। देखिए इनजीनियस, जिस इन का मीनिंग अंदर, जीनियस का मीनिंग जीनियस, जिसके अंदर इन जीनियस या कह सकते हो इंटेलिजेंस जो है वो ऑलरेडी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। जो जीनियस हो, बहुत तेज दिमाग वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं। इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल का मीनिंग हो गया जिसको जल्दी से प्रभावित न किया जा सके। ठीक है ना, जिसको जल्दी से प्रभावित न किया जा सके उसको इम्प्रेशनेबल बोलते हैं। क्रेडुलस का मीनिंग हो गया, क्रेडुलस का मीनिंग, इनफैक्ट ये क्रेडुलस है, क्रेडुलस का मीनिंग हो गया विश्वसनीय। विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास करके चलते हैं, है ना, जो हमारा विश्वास बनाए रखता है उसको क्रेडुलस बोलते हैं। तो अपना ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है ना, अपना आंसर रहेगा डी, सेंसिटिव। ऐसा व्यक्ति जो किसी को देख करके बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है वो सेंसिटिव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। किसी चपटी वस्तु से किसी को थपथपाना, यानी हमारे पास जैसे कोई भी बैट हो और बैट से हम किसी को पीट रहे हैं, स्लैप कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? चलिए एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड है ह्यू। ह्यू का मीनिंग होता है कोई मतलब बहुत बड़ा सा टूल है। एक अपने पास क्या है? लार्ज टूल है, लार्ज टूल है। टूल का मीनिंग हथियार कह लीजिए, उपकरण कह लीजिए, और उससे हम किसी भी चीज़ को कट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्यू बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत जैसे कुल्हाड़ी होगी, कुल्हाड़ी से किसी को काटना क्या कहलाएगा? प्यू कहलाएगा। तो अपना जो आंसर है वो रहेगा स्वॉट। मैं पहले आंसर बता देता हूँ, फिर हम दोनों को डिस्कस करते हैं। चॉप का मीनिंग हो गया काटना, जैसे चाकू से काटना, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है ना, कट इनटू पीसीज। चॉप का मीनिंग क्या होता है? कट इनटू पीसीज, टुकड़ों में काटना, ओके। और नो, नो का मीनिंग होगा कुतरना, धीरे धीरे काटना। तो अपना ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, अपना आंसर रहेगा बी स्वॉट। नो का मीनिंग जैसे चूहे कुतरते हैं उसको नो बोला जाता है। तो चॉप का मीनिंग काटना हो गया, चाकू चाकू वगैरह से। आगे है एन असेंबली ऑफ हीरर्स, श्रोताओं की एक सभा को क्या बोला जाता है? श्रोताओं को, सुनने वालों की सभा को। देखिए एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ऑडियंस, हालांकि इसका आंसर रहेगा ऑडियंस, जो कि पहला ही है, हमने क्राउड भीड़। कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन आप कांग्रेस से ले सकते हो, यानी कांग्रेस जो पार्टी है वो है जमावड़ा, ठीक है ना। यानी पार्टी कब बनती है? जब लोग एक साथ आते हैं, जमावड़ा होता है। तो कांग्रीगेशन का मीनिंग हो गया सभा, जमावड़ा ये रहेगा। और असेंबलीज का मीनिंग भी लोगों का एक साथ आना होता है। तो ये नहीं रहेगा, अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए 64th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में कोई एसोसिएट सहयोगी जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? तो कंपेनियन का मीनिंग हो गया साथी, ठीक है ना। कंपेनियन का मीनिंग क्या हुआ? साथी। अलाई, अलाई का मीनिंग हो गया सहयोगी, ठीक है, सहयोगी। कोलिक सहकर्मी, जो एक साथ काम करे, ये अपने आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूट, देखिए सॉरी, अपना जो है सहकर्मी ही तो है, तो अपना क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। ए कंप्लाइज, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए कंप्लाइज का मीनिंग होता है कोई गलत काम करने के लिए कोई व्यक्ति किसी को उकसा रहा है, मजबूर कर रहा है, भड़का रहा है, उसको ए कंप्लाइज बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को उकसाता है क्या करने के लिए? गलत काम करने के लिए, इलीगल एक्शन लेने के लिए, तो उस तरह के व्यक्ति को कंप्लाइज हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और 65th वर्ड को डिस्कस करते हैं। अपना जो वर्ड है वो है वन हु वह व्यक्ति जो प्रत्येक अटल है और भिन्नताओं से प्रभावित नहीं होता। थोड़ा सा जो टाइपिंग एरर है वो है इसके अंदर। देखिए वन हु इज, ये रहेगा इज। वन हु इज अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मीनिंग होगा जो न झुके, न झुकने वाला, ठीक है ना, न प्रभावित होने वाला व्यक्ति जो होता है वो अनरिलेंटिंग होता है। कैनॉट बी मूव्ड, जो विचलित नहीं हो सकता। इंट्रीटीज का मीनिंग हो गया प्रेयर्स या प्रार्थनाएं कह सकते हो, ठीक है ना। यानी ऐसा व्यक्ति जो न झुकता हो, जिस पर की गई प्रार्थनाओं का भी कोई प्रभाव न हो, उसको क्या बोला जाता है? तो हमारे सामने फर्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल अपना आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। इनएक्सोरेबल ऐसा व्यक्ति होता है जो न तो झुकता हो, बड़ा कठोर हृदयी हो, प्रार्थनाओं का कोई असर न होता हो, उसको इनएक्सोरेबल हम बोलते हैं। इनफॉलिबल का मीनिंग रहेगा ऐसा व्यक्ति जिससे कोई गलती नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जो कोई गलती नहीं करता है उसको इनफॉलिबल बोलते हैं। इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग हो गया ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ, मतलब ये कह सकते हो, अजय हो। अजय आप समझिएगा कैसे, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में विजयी रहता हो, उसको कोई न जीत सकता हो, ठीक है ना। इनविंसिबल, अगर मैं इसका आपको इंग्लिश में भी एक सिनोनिम बताऊं इम्प्रेग्नेबल का, तो क्या रहेगा, इनविंसिबल रहेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको जीत पाना नामुमकिन हो उसको इम्प्रेग्नेबल या इनविंसिबल बोलते हैं। इनएक्सप्लिकेबल का मीनिंग होगा दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ऐसा कुछ भी जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है उसको इनएक्सप्लिकेबल हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में हम 75th वर्ड तक डिस्कस करेंगे। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जब हम दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और वो सम्मान का जो भाव है वो हमारा एक सिद्धांत है, उसको क्या बोला जाता है। देखिए सबसे पहला वर्ड है वो सिनिसिज्म है। सिनिसिज्म का मीनिंग होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में हमेशा से एक बात चलती हो। क्या बात चलती हो कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो मदद के लिए तब सामने आते हैं जो वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है ना, या सेल्फ मोटिव उनके पास होता है, यानी अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही सारे व्यक्ति जो हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो उसको सिनिसिज्म बोलते हैं। उसके बाद में नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मीनिंग हो गया एक तरह से कोई पावरफुल पोजीशन पर कोई बैठा है और वो अपने ही चहेतों को, अपने ही सगे संबंधियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसको नेपोटिज्म हम बोलते हैं। उसके बाद में है फिलेंथ्रोफी। फिलेंथ्रोफी का मीनिंग हो गया परोपकारी। ये वर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में, तो ये क्या रहेगा, परोपकारी रहेगा, ठीक है। तो एक वर्ड अपना है एल्ट्रुइज्म, तो अपना रहेगा एल्ट्रुइज्म। तो याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति तो दूसरों का सम्मान करता है और ये उसका सिद्धांत बना हुआ है, उसको एल्ट्रुइज्म हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एटसेट्रा। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, समझ रखता है प्रकृति के अंदर जो बहुत खूबसूरत है, चाहे वो कला हो या अन्य चीज़ें हों, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला रहेगा क्रिटिक। क्रिटिक का मीनिंग हो गया आलोचक। क्रिटिक का मीनिंग क्या रहेगा, आलोचक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और एस्थेट। एस्थेट अपना जो आंसर है वो इसके अंदर रहेगा, यानी इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो एस्थेट रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो सुंदर चीज़ों की प्रशंसा करता है, समझ रखता है, उसको एस्थेट बोलते हैं, ठीक है। और कॉनोसर, कॉनोसर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता चुका हूँ। आर्टिस्ट का मीनिंग रहेगा कलाकार, तो अपना ऑप्शन बी इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी डिजीज जो सिर्फ संपर्क से फैलती हो, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट से फैलती हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शन से फैलती हो, इन्फेक्शियस का मीनिंग हो गया जो इन्फेक्शन से होता है। और कॉन्टी, इसका ऑप्शन जो है बी, कॉन्टीजियस। कॉन्टीजियस अपना राइट आंसर रहेगा, लेकिन कॉन्टिगुअस मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका। कॉन्टिगुअस का मीनिंग होगा निकटवर्ती। क्या रहेगा, निकटवर्ती। जो अपने आसपास हम देखते हैं चीज़ों को, उसको कॉन्टिगुअस में हम लेकर के चलते हैं। और कॉन्टेक्चुअल का मीनिंग होगा प्रासंगिक। प्रासंगिक, प्रासंगिक से आप समझिए कि जो संबंधित चीज़ें हों, संदर्भित चीज़ें हों, उसको कॉन्टेक्चुअल में हम काउंट करते हैं, तो अपना ये आंसर नहीं होगा, आंसर अपना बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और 69th को हम डिस्कस करते हैं। 69th अपना है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर एक जानवर है, एक पशु है, और उसका हमें बच्चों को जैसे सुनाते हैं एक अच्छा जो संदेश है उसके साथ साथ हमें मिलता है, नैतिक जो संदेश है वो हमें मिलता है। तो चलिए ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है फेबल, ये अपना राइट आंसर रहेगा। लेकिन मैं आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो उसको भी डिस्कस करूँगा। टेल का मीनिंग हो गया कहानी, ठीक है ना, कहानी, एक तरह की स्टोरी आप बोल सकते हो टेल। और एनेक्डोट, एनेक्डोट का मीनिंग हो गया कि एक फनी कहानी है। देखिए किस तरह की है, एक शॉर्ट है, शॉर्ट एंड फनी स्टोरी, शॉर्ट एंड फनी स्टोरी। और किस बारे में है, अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। तो याद रखिएगा एनेक्डोट का मीनिंग होता है एक छोटी मजाकिया कहानी जो किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंधित होती है, उसको एनेक्डोट हम बोलते हैं। अगला अपना है पैरेबल। पैरेबल का मीनिंग रहेगा अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। देखिए इसमें भी मोरल है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी की बात की गई है, इसके अंदर किसी भी तरह की शॉर्ट स्टोरी की बात नहीं की गई है। तो अपना जो आंसर ए है वो राइट रहेगा, पैरेबल अपना आंसर नहीं रहेगा, फेबल अपना आंसर रहेगा। चलिए 70th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आप बस बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस और भी अच्छे तरीके से रेगुलर आपके सामने आती रहेगी। टू चेंज शेप, नेचर और सब्सटेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, ऑफ समथिंग रहेगा। अगर हम किसी की आकृति, प्रकृति या जो कह सकते हो पदार्थ है उसको बदल दें, नेचर को बदल दें, तो उसको क्या बोला जाता है। तो हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो रहेंगे मॉड्यूलेट। तो सबसे पहले जो मॉड्यूलेट वर्ड वर्ब है उसको मीनिंग रहेगा यहाँ पर रिपेयर करना। मॉड्यूलेट का मीनिंग क्या रहेगा, रिपेयर करना या ठीक करना। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होगा ऑल्टरनेट, ठीक है ना, यानी विकल्प। और रीमॉडल का मीनिंग होगा पुनः कोई चीज़ को बनाना, डिज़ाइन करना। तो ये अपने जो ऑप्शंस हैं वो नहीं रहेंगे। अपना जो आंसर है वो रहेगा ट्रांसम्यूट। इनफैक्ट ये ट्रांसमीट नहीं है, स्पेलिंग को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये रहेगा ट्रांसम्यूट, ठीक है, ट्रांसम्यूट यानी MUTE रहेगा। ट्रांसम्यूट अपना जो राइट आंसर है वो रहेगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और आज की क्लास के जो रिमेनिंग 5 वर्ड्स हैं उनको जल्दी से करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान है, यानी एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर प्रत्येक वस्तु है और प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला वर्ड है एगोनिस्टिक। एगोनिस्टिक, एगोन, ठीक है ना, देखिए एगोनोस्टिक है, एगोनोस्टिक, एगोनोस्टिक। एगोनोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के अस्तित्व पर सवालिया निशान उठाता है। देखिए मैं 2 वर्ड आपके सामने लेकर रहा हूँ, गॉड का क्या, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस। भगवान के अस्तित्व पर जो सवालिया निशान उठा दे कि भगवान कहाँ है, मुझे बताओ, भगवान है ही नहीं, भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं है, इस तरह के व्यक्ति को एगोनोस्टिक बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एगोनोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो रहेगा थेइस्ट। थेइस्ट का मीनिंग हो गया जो व्यक्ति धर्म में विश्वास रखता हो, ठीक है ना, जो व्यक्ति धर्म में विश्वास रखता हो उसको थेइस्ट बोलते हैं। तो धर्म का यहाँ पर कोई हमारे सामने नहीं आया। उसके बाद में पैनथेइस्ट, ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा, पैनथेइस्ट रहेगा। याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति जो ये मान करके चले कि ईश्वर प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, यानी सब कुछ परमपिता परमेश्वर ही है, और उसी में समाया है, तो उसको पैंथेइस्ट बोलते हैं। और पेंटेक्निकोन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इन वर्ड्स का। पेंटेक्निकोन का मीनिंग, यानी ध्यान से सुनिए, पेंटेक्निकोन का मीनिंग होगा लगेज, ऐसी वैन जो लगेज को रिमूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, लगेज रिमूवल वैन, ठीक है ना। पेंटेक्निकोन का मीनिंग रहेगा लगेज रिमूवल वैन। और फर्स्ट वर्ड है अपना एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मीनिंग जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए। अपना आंसर हालांकि इसमें सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अ पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, ऐसा व्यक्ति जो किसी बलून, एयरशिप या हवाई जहाज या कोई अन्य विमान में यात्रा करता है, उसको पायलट करता है, उसको क्या बोला जाता है? या तो वो उसको चला रहा है या उसमें शामिल है, उसको क्या बोला जाता है? एरोनॉट। देखिए अपना जो आंसर है वो ए रहेगा, एरोनॉट रहेगा, ठीक है। अब बचे हुए ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट आपने बहुत बार सुना होगा, खगोल यात्री हम इसको बोलते हैं, जो ब्रह्मांड में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और एरो बैट, एरो एयर से बना है, बैट, इसका मीनिंग आप देखिएगा, अगर हवाई जहाज है, ठीक है ना, और वो हवा में कलाबाजियाँ कर रहे हैं हवाई जहाज़ों से, तो उसको एरो बैट बोलते हैं। कोई व्यक्ति है वो हवा में कलाबाजियाँ कर रहा है, तो उसको भी एरो बैट बोलते हैं। और एक्रोबैट का मीनिंग हो गया कलाबाजी, ठीक है ना, कलाबाजी। ये जैसे किसी रस्सी पर भी हो सकती है, ज़मीन पर भी हो सकती है, उसको एक्रोबेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा अपना जो आंसर है वो ए रहेगा 72 का। 73 की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। वीटी क्लेवर रिटोर्ट, मजाकिया, जिसके अंदर क्लेवरनेस जो हो, और रिटोर्ट का मीनिंग होगा, आप इस तरह के वर्ड को जब देखें तो इसमें सडन रिप्लाई होगा। रिटोर्ट को आंसर वो बोल सकते हो, रिप्लाई भी बोल सकते हो, लेकिन किस तरीके का रहेगा? सडन रिप्लाई रहेगा रिटोर्ट, ठीक है। साकासम, साकासम का मीनिंग रहेगा अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्रिटिसिज्म में हम लेकर के चलेंगे, क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। रिपार्टी, अपना जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा, रिपार्टी रहेगा। और प्लेटिट्यूड का मीनिंग रहेगा एक बोरिंग स्टेटमेंट, जो बहुत बार, यानी एक ऐसी बात, कोई भी ऐसी बात कह लो, स्टेटमेंट या बात, जिसको बहुत बार बोला जा चुका है और बोले जाने के कारण क्या हो गया है? बोरिंग हो गया है। कोई भी ऐसी बात जिसको बार बार बोला गया है, बार बार बोलने के कारण, सुनने के कारण वो बोरिंग लगने लग गई है, उसको प्लेटिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवैक्टिव। इनवैक्टिव का मीनिंग होगा ऐसी लैंग्वेज जो रूड है या फिर एंग्री है, रूड एंड एंग्री लैंग्वेज, उसको इनवैक्टिव हम बोलते हैं। अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट की वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, एक ऐसा शब्द या बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो मीनिंग में तो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी साउंड जब हम उनको रीड करते हैं तो एक जैसी आती है, तो उनको हम बोलते हैं होमोनिम। अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। सिनोनिम तो अपना पर्यायवाची हो गया, ये नहीं रहेगा। एक्रोनिम मैं आपको बता देता हूँ, एक्रोनिम का मीनिंग होता है अगर हम किसी का एब्रीविएशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हम मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जगह लिख दें CBSC, तो उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक्रोनिम क्या हो गया? CBSC हो गया। तो एक्रोनिम का एक तरह से एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, वो आप याद रखिएगा। एंटोनिम भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और लास्ट वर्ड ऑफ द डे को अटैम्प्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सोयल, इसेंशियल टू लाइफ बट मे कोज डिजीज। देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। पौधों के जीवन का सबसे सरल और सबसे छोटा रूप जो जीवन के लिए आवश्यक हवा, पानी, मिट्टी में मौजूद है लेकिन बीमारी का कारण भी बन सकता है। जरूरी तो है लेकिन बीमारी का कारण भी बन सकता है। वायरस, ठीक है। अमीबा, अमीबा का मीनिंग होता है सिंगल सेल लिविंग क्रीचर होते हैं ये अमीबा, सिंगल सेल के होते हैं और लिविंग भी होते हैं, याद रखिएगा। वायरस लिविंग नहीं होते, ये नॉन लिविंग होते हैं। बैक्टीरिया आपको पता ही है, ठीक है ना। और टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स इनफैक्ट अपना जो आंसर सी है वो रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा ये। और टॉक्सिन्स का मीनिंग विषैले पदार्थ, ठीक है ना। टॉक्सिन्स का मीनिंग विषैले पॉइजनस जो एलिमेंट्स होते हैं उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो अपना ये नहीं रहेगा, अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, ओके। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई डाउट है कहीं पर भी कुछ भी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ पीछे की जो क्लासेज हैं उनको ज़रूर वॉच करें। आगे मैं आपके सामने जैसे जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेज हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। और इसके बाद अपनी एक क्लास रहेगी एंटोनिम्स पर रहेगी, और एंटोनिम्स को भी मैं बहुत ही सिंपलर वे से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बस आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।